Hello everyone, this is Dr. Chavez Kazmi. I welcome you all to my Kazmi Homeopathic YouTube channel. Before starting the video, those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon. तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस बारे में हम बात करेंगे वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है और इसको हम किन किन होम्योपैथिक मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म आपका हमारे जो थायराइड ग्लैंड में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है या खास करके उस कंडीशन पर जब ESH और T3 T4 आपके जो हार्मोन होते हैं ये सेक्रेट कायदे से नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और ये खास करके उन लोगों में देखा जाता है जिनकी कोई क्रॉनिक डिजीज हुई हो, वेट बहुत गेन होने लगता है, ओबेसिटी होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होने लगता है उनको। एज फैक्टर भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम बात करते हैं कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि इसमें आपका जो TSH लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है और जो T3 T4 होते हैं वो कम हो जाते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है इसमें आपका T3 T4 इंक्रीज कर जाता है और TSH हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थायरॉयडिज्म। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH इंक्रीज करता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 इंक्रीज कर जाता है। अब हम चलिए बात करते हैं इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जो हमारी सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है CPR-30, इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा लीन होगा, दुबला पतला होगा, खास करके आपको ये इमेज में दिखेगा और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, इरिटेबल उसका नेचर होगा, बिहेवियर होगा और एंग्जाइटी होगी उसमें। और उसको ऐसा लगेगा कि उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उसको बस इग्नोर, उसको ऐसा लगेगा कि सामने वाला उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। और स्पेशली ये इम्बैलेंस जो होता है आप थायराइड फंक्शन का उसको प्रॉपर बैलेंस करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है CPR-30, दिन में 3 बार, 3 से 4 बूंद, थोड़े से पानी। जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है Phytoloca-30, इसका जो पेशेंट होता है उसका टमी, उसका जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है और काफ़ी चबी पेशेंट होता है देखने में, और तो उस कंडीशन पर आपको Phytoloca-30 देनी है, दिन में 3 बार, 3 से 4 बूंद, थोड़े से पानी। अब जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है Calcarea-Cath, इसको भी आपको 30% में लेनी है। इसका जो पेशेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा फैटी फ्लैबी होगा और उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा और उसको अनडाइजेस्टेड फूड खाने का मन करेगा, जैसे कि चौक मिट्टी, जो आपके डाइजेस्ट नहीं हो पाते कायदे से, खास करके जो पीरियड्स होंगे उसके वो इरेगुलर होंगे, ओबेसिटी उस पर पाई जाएगी, उस कंडीशन पर आपको Calcarea-Cath-30 लेनी है, दिन में 3 बार, 3 से 4 बूंद, थोड़े से पानी में। अब जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है Pulse-30, इसका जो पेशेंट होगा उसमें उसके जो पीरियड्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी होंगे और जो पेशेंट जो होगा वो गुड लुकिंग होगा, दिखने में बहुत ही अच्छा होगा, पीरियड इरेगुलरिटी होगा विद वाइट डिस्चार्ज, उसमें वाइट डिस्चार्ज उसके बहुत ज़्यादा होगा जो काफ़ी स्कैंटी होगा, तो उस कंडीशन पर आपको Pulse-30 लेनी है, दिन में 3 बार, 3-4 बूंद, थोड़े से पानी। अब जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है Baraita-Cath, ये मोस्टली खासकर आपके लिए बच्चों में दी जाती है, जो बच्चे काफ़ी चबी हों, मोटे हों, पेट उनका बाहर निकल रहा हो, उस कंडीशन पर आपको Baraita-Cath-30 लेनी है, दिन में 3 बार, 3-4 बूंद, थोड़े से पानी। अब जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है Anacardium-Orientale, इसको भी आपको 30% में लेनी है। इसका जो सिम्टम है, इसका जो पेशेंट होगा वो उसके में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, उसको कोई चीज़ याद नहीं रहेगी, उसको खाना खाने के बाद रिलीफ मिलेगा, उस कंडीशन पर अगर ऐसा आपको सिम्टम मिलता है तो आपको Anacardium-30 लेना है, दिन में 3 बार, 3-4 बूंद, थोड़े से पानी में। अब जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है Pyrogenin, इसको भी आपको 30% में लेना है, खास करके उनको जो बहुत बार एबॉर्शन करा चुकी हो और उनको फिर कोई हाइपोथायरॉयडिज्म की कोई प्रॉब्लम आती है, कंडीशन पर आपको Pyrogenin-30 लेनी है, दिन में 3-4 बूंद, थोड़े से पानी में 3 बार। अब जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है Iodium-30, उसको भी आपको लेना है, दिन में 3-4 बार, थोड़े से पानी में। इसका जो मेन सिम्टम है वो ये है कि उसको वीकनेस रहेगी, चाहे वो डाइट प्रॉपर ले लेकिन उसको कमजोरी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो उस कंडीशन पर आपको Iodium लेना है 30% में, दिन में 3 बार, 3-4 बूंद, थोड़े से पानी में। अब जो हमारी सबसे मेन मेडिसिन जो है, जो आप हर किसी में ले सकते हैं कैसा भी आपका थायरॉयड हो, वो है Tuberculinum, इसको आपको 1 ml लेना है, हफ्ते में 1 बार। और जो एक और मेडिसिन है वो है हमारी Thyroidinum, इसको आपको 30% में, दिन में 3-4 बार इसको भी चलानी है, इससे कि आपका ये अगर आप कुछ दिन तक इसको लेते रहेंगे तो आपका जो थायरॉयड है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। और जो मेरे चैनल में अभी न्यू है या पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।